जेल से रिहा हुए पार्षद का समर्थकों ने माला पहनाकर किया स्वागत। 3 महीने फर्जी मुकदमे में जेल में बंद पार्षद सरदार हजीत सिंह को उच्च न्यायालय द्वारा निर्दोष साबित होने पर जेल से रिहा किए गए। रिहाई होने के बाद सिख समाज के लोगों ने उनका गुरुद्वारा नानकपुरा में भव्य स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर सभी ने माल्यार्पण कर और केक काटा। गुरुद्वारे में स्वागत सम्मान का कार्यक्रम रखा गया। वहीं सिख समाज के लोगों ने कहा कि सरदार अजीत सिंह को पास्को एक्ट के तहत फर्जी मुकदमे में फंसाया गया था। 3 महीने निर्दोष जेल में बंद थे, गुरु महाराज जी की कृपा से निर्दोष साबित हुए और हम सभी के बीच में आज हैं। उन्होंने कहा कि सिख समाज पूरा कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि सिख समाज के लोगों का सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। बता दें कि सरदार अजीत सिंह ने गुरुद्वारे में पहुंचकर माथा टेका और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय मिला है। गुरुजी महाराज के ऊपर मुझे भरोसा था जो निर्दोष साबित हुआ। बाइज्जत बरी होने पे पास्को वाले मुकदमे से उरई जेल से रिहा हुए हैं। सिख समाज ने हमारा किया है, सम्मान किया है। सिख संगत के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। हमारे ऊपर पास्को का 376 पास्को का मुकदमा दर्ज हुआ था, जो कि माननीय उच्च न्यायालय से बाइज्जत बरी हुए हैं। वो मुकदमा भी फर्जी था। बड़ा अच्छा, बड़ी खुशी, बाबा जी का आशीर्वाद मिला है हमें, बड़ी खुशी। और अजीत सिंह इनको फर्जी फंसाया गया, फर्जी केस में 3 महीना जेल रहे हैं। ये इनका परिवार पूरा डिस्टर्ब रहा। इकलौता लड़का यहाँ से लेके उज्जैन इलाहाबाद तक पैरवी करता रहा। ये गुरु महाराज की कृपा है जो आज निर्दोष होकर, कोई केस नहीं, कोई जमानत नहीं, ये हम सबके बीच में है। ये सब समाज पूरा इनका सब साथ में इनके साथ मुकदमे में इनको फंसाया गया था। ये तो कोर्ट ने भी इनको निर्दोष साबित किया, कोर्ट ने भी इनको बाइज्जत बरी किया। कोई केस नहीं, कोई जमानत नहीं, इसमें हमको या किसी कहने की जरूरत नहीं कि इनको फर्जी फंसाया गया है। 3 महीना निर्दोष ये जेल काट के आए, 3 महीना पूरा, 3 महीना पांच दिन। अरे इस तपती गर्मी में हो सकता अच्छे के लिए आज समाज जागा हमारा। इनके साथ अत्याचार हुआ, समाज को समझ में आया कि आज इनका है, कल किसी और की भी बारी हो सकती है। अब आज संगत जागरूक हो रही है तो इनके साथ खड़ी है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।